नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल स्टॉक पर। दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था यूपी टीईटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, वो आ चुका है। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ और पढ़ के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप समय का सही सदुपयोग कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश की विज्ञप्ति आई है। ये आज का न्यूज़पेपर है दोस्तों, अमर उजाला का, इलाहाबाद का। यदि आपको न्यूज़पेपर में देखना है तो भी आप ये विज्ञप्ति देख सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2018 हेतु ऑनलाइन आवेदन, जो कि 14 सितंबर द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुपालन में। तो दोस्तों, ये जो आपका यूपी टीईटी का जो पेपर है, एक तो इसकी जो डेट में जो बदलाव हुआ है, वैसे आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 4 नवंबर को होगा अब आपका पेपर। पहले 28 अक्टूबर डेट थी इसकी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, वो ये कि अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर दे नहीं होगा। मतलब अगर आपने अपने फॉर्म को भरते टाइम कोई गलती कर दी है तो उसका करेक्शन के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी कि आपको करेक्शन के लिए कोई भी मौका नहीं देगा दिया जाएगा। तो दोस्तों, कृपया करके आप जब फॉर्म भरें तो बिल्कुल सावधानी से भरें कि आपकी कोई गलती ना हो, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, अगर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो ये पूरी नीचे लिखी हुई है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की डेट है 18 सितंबर, यानी कि परसों से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। और जो इसकी जो शुल्क जमा करने की डेट है वो भी 18 सितंबर है, आप शुल्क भी जमा कर सकते हैं। और दोस्तों, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 4 अक्टूबर 2018। लेकिन मैं दोस्तों आपको यही कहूँगा कि लास्ट डेट का आप इंतज़ार ना करें, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है और साइट भी बिजी हो जाती है एंड की डेट आते आते। तो आप कृपया करके शुरू के कुछ दिनों में ये फॉर्म भर लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी 4 नवंबर को आपका पेपर होगा, तो 4 नवंबर को आपका पेपर है तो इसकी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास अक्टूबर का महीना है और ये अभी कुछ दिन है, 14-15 दिन, तो 1.5 महीना है आपके पास 4 नवंबर के को तैयारी करने के लिए। 1.5 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए और फॉर्म टाइम से भर दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।